हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मम्मा बच्चा टॉक्स। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में आता है तो उन्हें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू नाम का एक टॉपिक रहता है। ये होता तो बहुत सिंपल है, बट बच्चे इसमें प्लेस क्या होता है और उसकी प्लेस वैल्यू क्या होती है एंड फेस वैल्यू, इनमें कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो चलिए आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगी कि आपको कभी भी फिर लाइफ में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 682, तो इसमें हम सबसे पहले बच्चे को बताएंगे कि इसका प्लेस क्या है। जैसे 2 1s के प्लेस पे है, 8 10s के प्लेस पे है एंड 600 के प्लेस पे है। ओके, ये जो होते हैं 1s 10s 100, ये होते हैं प्लेस। किसी भी नंबर का एक प्लेस होता है, एक जगह होती है, स्थान होता है, वो उसकी प्लेस कहलाती है। एंड उसी नंबर का फिर हमें प्लेस वैल्यू निकालनी होती है। तो आप बच्चों को पहले समझाइए कि 682, इसमें जो 2 है ये 1s के प्लेस पे है, 8 10s के प्लेस पे है एंड 600 के प्लेस पे है, ये प्लेस होता है। ओके, इसके बाद चलिए हम प्लेस वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, अब जैसे 2 है तो आप इस वे में बता सकते हैं, 1s मतलब ओनली 1 नंबर, मतलब 2 की प्लेस वैल्यू 2 होगी। या फिर आप इस वे में सिखाइए कि 2 के बाद कोई नंबर नहीं है, मतलब कोई जीरो नहीं लगेगा, ओनली 2 उसकी प्लेस वैल्यू है। नाउ 8 10s के प्लेस पे है, 10s मतलब 10 मतलब 10, तो 80। या फिर आप ये बताइए कि 8 के बाद 1 यहाँ पे डिजिट है, तो 8 के बाद हम 10 लगा देंगे, तो यहाँ पे 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80। ओके, नाउ 6 की प्लेस वैल्यू, तो 600 के नंबर पे है, 100 में 20 होते हैं, तो 600। या फिर आप बच्चों को इस वे में समझाइए कि 6 के बाद यहाँ पे 2 नंबर है, कितने नंबर है, 2 नंबर है, इसलिए हम 20 लगाएंगे 6 के आगे, तो ये 6 एंड 20, 600, ये 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी। 2 की प्लेस वैल्यू 2, क्योंकि 2 के आगे कोई नंबर नहीं है इसलिए कोई जीरो वगैरह नहीं लगेगा। 8 की प्लेस वैल्यू 80, ये 10s के प्लेस पे है एंड इसके आगे 10 इसलिए 80। एंड 6 की प्लेस वैल्यू है 600, क्योंकि इसके आगे 2 नंबर्स आते हैं इसलिए 20 लग जाएगा। ये जो होते हैं ये प्लेस वैल्यू होती है, 1s 10s 100, ये प्लेस होता है और ये इसकी प्लेस वैल्यू है। नाउ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू नथिंग बट इट्सेल्फ नंबर, मतलब जो नंबर होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस का मतलब ही होता है जो दिख रहा है, जो फेस पे है, मतलब 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, जो नंबर है इट्सेल्फ वही उसकी फेस वैल्यू होती है। आप बच्चे को ये नाम से ही सिखाइए, जैसे कि हमने मिरर में खुद को देखा तो हमारा फेस ही दिखेगा, वैसे ही जो ये नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू है, जो दिख रहा है हमें वही उसका फेस वैल्यू कहलाएगा। नाउ आप फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू को एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। यहाँ पे हमें प्लेस वैल्यू निकालना है, यहाँ पे फेस वैल्यू, एक यही नंबर है हमारे पास में 582, तो इसमें प्लेस वैल्यू है 2 और फेस वैल्यू भी 2 है। नाउ अब 8 की हमें प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो 8 की प्लेस वैल्यू होगी 80 एंड फेस वैल्यू होगी 8। अब 582 की प्लेस वैल्यू है 500 एंड फेस वैल्यू होगी 5। तो इस तरह से जो फेस वैल्यू तो वही नंबर है जो हमें दिखाई दे रहा है वही उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी, और प्लेस वैल्यू में अगेन 2 की 2 82, क्योंकि 8 के आगे 1 नंबर है इसलिए 80 एंड 5 के आगे 2 नंबर है इसलिए 500। ओके, ये सबसे सिंपल वे होता है बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू समझाने का। नाउ अब अगेन हमारे पास एक नंबर है 5269, तो सबसे पहले तो आप इसकी जो प्लेस है वो बताइए। 9 1s के प्लेस पे है, 6 10s के प्लेस पे, 200 के प्लेस पे एंड 5000 के प्लेस पे है। अब आप बच्चों से ये सॉर्टिंग करने का बोलिए कि 1000 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 100 के प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा, 10s के प्लेस पे एंड 1s के प्लेस पे। तो बच्चा देखेगा और बताएगा कि 1s के प्लेस पे 9, 10s के प्लेस पे 6, 100 के प्लेस पे 2 एंड 1000 के प्लेस पे 5। अब फिर आप उससे इसकी प्लेस वैल्यू पूछिए, जैसे कि 9 की प्लेस वैल्यू 9 हो जाएगी, 6 की प्लेस वैल्यू
अब 6 के आगे 1 नंबर है इसलिए 60, 2 की प्लेस वैल्यू 200 क्योंकि 100 के प्लेस पे उसमें 20 होते हैं एंड 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 5000 क्योंकि ये 1000 के प्लेस पे उसमें 30 होते हैं या फिर 5 के बाद कितनी नंबर है 3 नंबर है एंड फेस वैल्यू इटसेल्फ नंबर होगा 9 की फेस वैल्यू 9, 6 का फेस वैल्यू 6, 2 का 2 एंड 5 का 5। नाउ हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू इज़ द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर। किसी भी नंबर में जो डिजिट की पोजिशन होती है, जो डिजिट का स्थान होता है, वो उसकी प्लेस वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से फेस वैल्यू इज़ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट, मतलब डिजिट की जो एक्चुअल वैल्यू होती है, जैसे 2 की एक्चुअल वैल्यू 2 होती है, 3 की एक्चुअल वैल्यू 3 होती है, वो उसकी फेस वैल्यू होती है। नाउ एक हम एक्सरसाइज करके देखते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। जो यहाँ पे अंडरलाइंड है ना, उसकी हमें प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू देखनी है। अब यहाँ पे नंबर है 37, तो यहाँ पे 3 की हमें प्लेस वैल्यू देखना है, तो 3 के बाद 1 नंबर है इसलिए 10 लग जाएगा। 30 प्लेस वैल्यू है और फेस वैल्यू इटसेल्फ नंबर, मतलब 3 फेस वैल्यू। नाउ 592, इसमें हमें 9 का प्लेस वैल्यू देखना है, तो अगेन 9 का प्लेस वैल्यू 90 हो जाएगा क्योंकि 9 के बाद 1 नंबर है, तो मतलब 10 लग जाएगा 9 के बाद में, और 10 के प्लेस में है इसलिए 90 प्लेस वैल्यू एंड 9 फेस वैल्यू। नाउ 4662, तो इसमें प्लेस वैल्यू 2 हो जाएगा क्योंकि ये 1s के प्लेस पे है एंड फेस वैल्यू 2। नाउ 79, इसमें जो 7 है ये 10s के प्लेस पे, इसलिए 70 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी एंड 7 फेस वैल्यू। नाउ 9567, इसमें जो 5 है ये 100 के प्लेस पे है, तो 100 में 20 होता है या फिर 5 के बाद में 2 डिजिट है इसलिए 5 के बाद 20 लग जाएंगे, 500 प्लस वैल्यू एंड फेस वैल्यू इटसेल्फ नंबर, मतलब 5। 8643, इसमें 8, अब 8000 के प्लेस पे है, मतलब 8 के आगे हमें 30 लगाना है या फिर 8 के बाद में 3 यहाँ पे हमको नंबर दिख रहे हैं, मतलब 30 लगा दो, तो 8000 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी एंड 8 फेस वैल्यू। नाउ 216, 200 के प्लेस पे है इसलिए 200 इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी, 2 के बाद हमें 20 लगाना है एंड 2 इटसेल्फ नंबर फेस वैल्यू। ओके, तो आपको इस तरह से बच्चे को समझाना है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू को। जब आप फर्स्ट टाइम बच्चों को ये टॉपिक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आप जो स्मॉल डिजिट होते हैं, 2 नंबर डिजिट होते हैं, उनसे स्टार्ट कीजिए। जैसे कि 79, तो बच्चे को पहले तो आप बताइए कि 9 जो है 1s के प्लेस पे है और 7 10s के प्लेस पे है, फिर 9 की प्लेस वैल्यू 9 एंड 7 की प्लेस वैल्यू 70 क्योंकि 7 के बाद में कितने डिजिट दिख रहे हैं हमको, सिर्फ एक ही डिजिट है 9 है, इसलिए सिर्फ 10 लग जाएगा। नाउ फिर 3 डिजिट पे आप स्विच कीजिए, 432, तो यहाँ पे अगेन आप बच्चे को पहले तो इसकी प्लेस बताइए कि 2 1s के प्लेस पे है, 3 ट्रेंस के प्लेस पे है और प्लेस वैल्यू 30 हो जाएगी, और 400 के प्लेस पे एंड प्लेस वैल्यू 400 हो जाएगी। तो आप बच्चे को अगर इस वे में समझाएंगे तो बच्चा बहुत इजीली समझ जाएगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।